कार्तिक को लेकर अब मैं कोई गलती नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि कार्तिक कल हॉस्टल जाएगा। बड़ी बड़ी बातें करी थी ना शक्ति, मुझे चैलेंज पे चैलेंज दे रही थी। एक चैलेंज हम आपको करते हैं कि कार्तिक हॉस्टल कभी नहीं जाएगा। दोनों चैलेंज मैं जीत गई। लड़ाई शिव और शक्ति के बीच हो रही है, पर जीत मैं रही हूं। डॉक्टर शिव, प्लीज प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारी गलती की सजा उस बच्चे को मत दीजिए, प्लीज डॉक्टर शिव। आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते, ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसे अपने आप से दूर कैसे भेज सकते हैं? अपना और उसका दिल मत तोड़िए। प्लीज कार्तिक को हॉस्टल मत भेजिए डॉक्टर शिव, प्लीज। प्लीज डॉक्टर शिव। क्या कह रही थी? मेरा परिवार जुड़ रहा है, शक्ति सब ठीक कर देगी। शक्ति ने तो सब तोड़ दिया। बाप बेटी को अलग कर दिया, अब क्या करोगे? शिव बेटा, शिव, अपने बच्चे से दूर होने का दर्द क्या होता है? इस घर में तुम्हारे अलावा सिर्फ हम समझते हैं। मत भेजो कार्तिक को वापस, मत भेजो शिव। तुम्हारा दिल कार्तिक के लिए तड़पता है, अपने बच्चे के लिए तड़पता है। बस हमारा भी दिल तड़पता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने कार्तिक को अपनी मर्जी से दूर रखा है और हम तुमसे दूर हैं, मजबूरी में। कुछ भी हो, अपने बच्चे के लिए तो दिल तड़पता ही है ना शिव। दिल चाहे माँ का हो या बाप का, तकलीफ उतनी ही होती है शिव। मत भेज बेटा कार्तिक को वापस, मत भेज। धरती, धरती, धरती। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम घर के मामलों में टांग अड़ाओगी? मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका क्या दे दिया? अपने आप को झांसी की रानी समझने लगी? अब हमारे ये दिन आ गए हैं कि अब तुमसे सीखना पड़ेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, है?
बस। शिव बेटा, मत भेजो कार्तिक को वापस, मत छीनो उस बिन माँ के बच्चे से पिता का प्यार, मत छीनो, मत वापस भेजो उसे, मत छोड़। माँ आप ये क्या कर रही हैं? आप प्लीज ये सब मत कीजिए। अगर एक बेटे के सामने माँ हाथ जोड़ी तो खुद भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। आपको भी पता कि अगर कार्तिक हॉस्टल जाएगा तो वो उसके लिए और मेरे लिए एकदम सही रहेगा। नहीं शिव, क्या सही है क्या गलत, हम नहीं सुनना चाहते, नहीं समझना चाहते। बस अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे पैर भी पड़ जाएंगे। आप ये क्या कर रही है माँ, प्लीज। अच्छा बेटे, ठीक है माँ, आप चाहती है ना कार्तिक यहीं रहे तो कार्तिक अब यहीं रहेगा सबके साथ। परिवार जोड़ने के लिए बोले ना। वंदना भाभी, ये क्या हो गया? ये तो कहानी में ट्विस्ट, आप तो जीतते जीतते हार गई। शिव बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कार्तिक की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी और शक्ति की नहीं, हमारी भी, हम रखेंगे उसका ध्यान। और पापा के प्यार के साथ साथ कार्तिक को दादी का प्यार भी मिलेगा, और सिर्फ दादी ही क्यों, पूरे घर परिवार का साथ मिलेगा, उससे प्यार मिलेगा। हाँ माँ, कार्तिक को सबका प्यार मिलेगा, वो अब हम सबके साथ रहेगा इसी घर में। बहुत हो गई है, आप सब प्लीज सोने चले जाओ। थैंक यू डॉक्टर शिव, थैंक यू सो मच। सुनती आए
गायत्री भाभी ने तो आपकी सारी बाजी पलट दी। पहले तो सिर्फ शक्ति जैसी बड़ी प्लेयर आपको हरा रही थी, पर अब तो ये गायत्री भाभी जैसी कच्ची नींबू, इसने भी आपको पटक दिया। हमें तो लगता है कि अब उन्हें आपसे डर ही नहीं लगता। आज जो पहली बार हुआ है ना, वो अब बार बार होगा। अगर दिल में विश्वास हो तो डर से हिम्मत तक का रास्ता बन ही जाता है। हमारी शक्ति हमारा विश्वास है, और आज के बाद तुम दोनों ने अगर हमारे परिवार, हमारे बच्चों को किसी भी तरह की चोट पहुंचाने की कोशिश की ना, तो ये गायत्री हर बार तुम्हारे बीच आएगी और हर बार तुम्हारी बाजी पलटेगी। आज तक हम अपने बच्चों और परिवार की रक्षा ढाल बनकर कर रहे थे, लेकिन आज के बाद अगर तुम दोनों ने कभी भी किसी भी तरह की कोशिश की हमारे बच्चों को चोट पहुंचाने की या परिवार को नुकसान पहुंचाने की, तो ये ढाल हथियार बन जाएगी। ये माँ बहुत सालों तक चुप रही, अपनी आवाज खो चुकी थी, पर ये मत भूलना कि एक माँ लक्ष्मी और सरस्वती होती है तो दुर्गा और काली भी होती है। अगर माँ प्यार कर सकती है तो दुश्मन का संहार भी कर सकती है। बहुत बड़ी बड़ी बातें फूटने लगी है ना तेरे मुंह से, जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी। भाई साहब से तीन चार थप्पड़ जो नहीं पड़े ना, इसलिए अपने आप को सूरमा समझने लगी है। अब मैं दिखाती हूँ तुझे, अब मैं तेरा संहार करती हूँ। भाभी हम तो कहते हैं इनकी कंबल कुटाई करते हैं, सारी डायलॉग बाजी ना बंद हो जाएगी। रुकिए, माझी को अकेला समझने की गलती मत कीजिएगा। उन पे हॉट क्या, अगर उन पे नजर उठा के भी देखी ना, तो पापियों का संहार क्या होता है और कंबल कुटाई क्या होती है, ये बात हम दोनों को अच्छे से समझा देंगे।
एक सयानी दूसरी अंधों में काली। दो पैसों की इज्जत क्या मिल गई इस घर में, मुझसे टकराने लगी हो। ऐसे तुम दोनों के आंखों के सामने से ना मैं सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करूंगी और सब कुछ करके जीतूंगी। तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उसी तरह जैसे हमें ये पता नहीं चला कि आपने डॉक्टर शिव के कार में दवाई डाली। मुझे पापा से बात करनी। कार्तिक बेटा अब यहीं रुको, हम देखते हैं कि पापा कहीं सो तो नहीं रहे। क्या समझ में नहीं आ रहा है कि हमने तो दवाई गिरा दी थी तो फिर डॉक्टर शिव को दौरा कैसे पड़ा? हम तो पूरे टाइम उनके साथ थे, ना उन्होंने कुछ खाया ना कुछ पिया, फिर ये सब हो कैसे गया? भैया ये टॉवल। थैंक यू। सुनो फ्रेश होने जा रहा हूं मैं, और याद रखना रूम तुम ही फिक्स करोगी। जब हमने उस टॉवल को स्मेल किया था ना, हमें तभी समझ में आ गया था कि आपने क्या किया, क्योंकि उस टॉवल में से आपकी चालबाजी की बू आ रही थी। हम मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन लगता है ये बात ना अब बार बार भूल जाती है। लगता है कि आज तक ना आपका पाला पढ़े लिखे लोगों से नहीं पढ़ा, या तो फिर सिर्फ सीधे साधे लोगों से पढ़ा। लेकिन हम पढ़े लिखे भी हैं और सीधे साधे तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इससे अपना दिमाग ना फुल स्पीड पे चलाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये छोटे मोटे हथकंडों से ना अब आपकी दाल नहीं गलने वाली है। आपने आज जो किया है ना उसकी सजा तो आपको मिलेगी। जितने भी पाप किए हैं ना आपने उसका प्रायश्चित करने का टाइम आ गया है मंदिरा। जाके ना अब सो जाइए, सुबह हमें बहुत काम है। कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं इस घर में, पटक पटक के मैल निकालना होगा, सिर्फ तभी साफ होगा।